आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 8 का, जो कि हमारा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो यह हमारा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट 3 वीडियो है। तो पार्ट 3 वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन, एरर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये तीन कॉन्सेप्ट के बारे में हम ये वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज एक्सप्रेशन। An expression is a combination of symbols and operators that represent a value. Every expression consists of at least one operand and can have one or more operators. Okay? तो हम एक example में इसको समझेंगे expression को। X plus 3, तो यह हमारा एक expression है। Then A plus 3 मल्टीप्लाई सी प्लस 2, ये अलग एक एक्सप्रेशन है। तो ये दो एक्सप्रेशन के बारे में हम देखेंगे। तो हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन। एन एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स। तो ये देखो x 3, इसको हम सिंबल बोलेंगे या ऑपरेंड बोलेंगे। ओके, देन प्लस क्या है हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारा होता है जैसे हमने पढ़े थे अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, तो सारे ऑपरेटर होते हैं। तो हियर प्लस इज द ऑपरेटर एंड एक्स एंड थ्री इज आर द ऑपरेंड्स और सिंबल्स। यहाँ पे भी ए 3 सी 2 ये सब ऑपरेंड है। देन प्लस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, ये सारे हमारा ऑपरेटर्स है। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स और सिंबल्स आर कॉल्ड एक्सप्रेशन। ओके, एंड दैट रिप्रेजेंट ए वैल्यू, मतलब ये x प्लस 3 को जब हम ऐड करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो यहाँ पे एक आंसर आएगा, एक नंबर आएगा। ओके, और एक वैल्यू आएगा। उसी तरह a प्लस 3 एंड c प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी एक नंबर आएगा। ओके, एक वैल्यू आएगा जो कि ये एक्सप्रेशन का आउटपुट होगा। ओके, देन एवरी एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन ऑपरेंड एंड कैन हैव वन और मोर ऑपरेटर्स। कोई भी एक छोटा सा एक्सप्रेशन हम देखेंगे जिसमें मिनिमम एक ऑपरेंड होना चाहिए। यहाँ पे हमारा दो ऑपरेंड यूज हुआ है, यहाँ पे हमारा चार ऑपरेंड यूज हुआ है, ए 3 सी 2, चार ऑपरेंड यूज हुआ है। तो एटलीस्ट कोई भी एक्सप्रेशन में मिनिमम एक ऑपरेंड होना चाहिए। विदाउट ऑपरेंड द एक्सप्रेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, एंड वन और मोर ऑपरेटर्स होना चाहिए, एक से ज्यादा ऑपरेटर होना चाहिए। तो एटलीस्ट वन ऑपरेंडर एंड वन ऑपरेटर एंड वन ऑपरेंडर मस्ट बी नीडेड इन एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन में एक ऑपरेटर या एक ऑपरेंड का होना जरूरी है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे एरर। एरर मतलब क्या है? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स सोन ड्यूरिंग द कंपाइलेशन और द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज एरर्स। मतलब जो प्रोग्राम का कोडिंग हम लिखेंगे, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम कोडिंग हम लिखेंगे, प्रोग्राम कोडिंग को लिखने के टाइम पे जब हम प्रोग्राम को कोडिंग को कंपाइल करेंगे, कंपाइल मतलब हमने पहले डिस्कशन किया था कंपाइलर इंटरप्रेटर, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो एवरी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम नीड टू कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम बिकॉज द कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड डायरेक्टली द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। कंप्यूटर डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को समझ नहीं पाता है, इसके लिए एवरी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम शुड बी नीड टू कन्वर्ट टू द मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको हम कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन बोलते हैं। ओके, तो कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन के टाइम में प्रोग्राम की जो कोडिंग हमने लिखे हैं, वो कोडिंग के अंदर जो भी मिस्टेक्स होगा, वो सारे मिस्टेक को हम एरर बोलते हैं। ओके, तो वो बहुत डिफरेंट अलग अलग टाइप का एरर होता है। ओके, सारे एरर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली एरर हमारा दो टाइप का होता है, कंपाइलेशन एरर एंड रन टाइम एरर। तो पहले हम देखेंगे कंपाइल टाइम एरर और कंपाइलेशन एरर। कंपाइलेशन एरर, दिज आर ऑकर ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। कंपाइलेशन मतलब जब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम का कोडिंग
मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है उस टाइम को हम कंपाइलेशन बोलते हैं। तो ये जो कंपाइलेशन होता है, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज का कोडिंग कन्वर्शन होता है, उस टाइम में जो एरर प्रोग्राम के अंदर दिखाई देता है उसको बोलते हैं कंपाइलेशन एरर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो जो एरर प्रोग्रामर को दिखाई देगा, मतलब आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो आप प्रोग्रामर है, आपको जो जो एरर दिखाई देगा जो भी लाइन में, पहले आपको वो एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एरर फ्री द प्रोग्राम कोड कैन नॉट कन्वर्टेड इन टू द मशीन लैंग्वेज। ओके, तो अगर प्रोग्राम में कुछ भी मिस्टेक होगा, कुछ भी एरर होगा, तो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो हम एक कंपाइलेशन एरर का एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सी, दिस इज ए प्रोग्राम, ये एक सी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग कोडिंग है, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कोडिंग ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो हमने ऐसे, आप लोगों को तो प्रोग्राम कैसे लिखते हैं वो समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि हम प्रोग्राम के बारे में नहीं पढ़े हैं। जब आप पढ़ेंगे ये प्रोग्राम कोडिंग कैसे लिखा जाता है हायर क्लासेस में, तो आप इसको समझ पाएंगे प्रोग्राम कोडिंग क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम कोडिंग लिखा गया, हम इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, देखो यहाँ पे एक एरर लिखा है, कंपाइलेशन प्रोग्राम कोडिंग खत्म हो गया, देन कंपाइलेशन करने के बाद यहाँ पे एक एरर दिखाई दिया। एरर क्या है, देखो नीचे हमारा एरर दिखाई दे रहा है, अनडिफाइंड सिंबल ए, तो ये एक कंपाइलेशन एरर है। कंपाइल टाइम एरर हियर, ए इज नॉट डिफाइंड बट इट इज यूज्ड इन द प्रोग्राम। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे देखो लिखा गया एक सेंटेंस में ए इक्वल टू 10, मतलब ए एक वेरिएबल है जिसमें 10 रखा गया, सॉरी जिसमें 0 रखा गया है, ए इक्वल टू 0, तो ए में 0 रखा गया है। तो ए में 0 रखने से पहले मैं, पहले जब हम डाटा टाइप पढ़े थे, डाटा टाइप में मैं आपको बोला था जो भी वेरिएबल हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे उसको पहले हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं डाटा टाइप यूज़ करके, देखो यहाँ पे एक इंट डाटा टाइप लिया गया है, int int, जो कि इंटीजर नंबर और न्यूमेरिक वैल्यू का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। ओके, पूरा तो प्रोग्राम हम समझ नहीं पाएंगे, मैं थोड़ा डिक्लेरेशन के बारे में समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा गया है int sum equal to 0 n1, n2, दैट मीन्स यहाँ पे तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, sum, n1 and n2, n1 n2 में कुछ वैल्यू रखा नहीं गया है, सम में डायरेक्टली 0 रखा गया है। तो ये जो तीन वेरिएबल है सम, n1 एंड n2, यहाँ पे ये कौन सा टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, दैट मीन्स ये तीनों के अंदर हम इंटीजर वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू रख सकते हैं, जिसके लिए इसको इंट यूज करके डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे ये जो a इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखा गया है, a वेरिएबल को यहाँ पे कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, यहाँ पे ओनली सम n1 एंड n2 तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, a को डिक्लेयर नहीं किया गया है। ओके, इसके लिए यहाँ पे हमारा a वेरिएबल नहीं है, इसके लिए यहाँ पे वो एरर दिखाई दे रहा है, अनडिफाइंड सिंबल a, दैट मीन्स a एक सिंबल है जो कि डिफाइन नहीं हुआ है। ओके, सो दिस इज द कंपाइलेशन एरर। जब प्रोग्राम कंपाइल होगा, कंपाइल कैसे करते हैं, वो एवरी लाइन को कंपाइल करेगा, वन बाई वन लाइन को, आपका प्रोग्राम का स्टार्टिंग लाइन ये लाइन, देन सेकेंड लाइन, देन थर्ड, देन ये ब्रैकेट वाला 4, देन 5, ऐसे एवरी वन बाई वन लाइन को वो कंपाइल करता है। कंपाइलर नॉर्मली होल प्रोग्राम को ही कंपाइल करता है, पर होल प्रोग्राम के अंदर पहले वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक सभी लाइन को वो ओवरलुक करता जाएगा, मॉनिटर करेगा एवरी लाइन को, जो लाइन में एरर होगा वो लाइन को आपको दिखाई देगा, उसका एरर नीचे आपको दिखाई देगा, दिखाई देने के बाद ये एरर को आप रेक्टिफाई करेंगे। अभी हम इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, या फिर हम ये a इक्वल टू जो 0 लिखा है इसको रिमूव कर देंगे, या फिर यहाँ पे जो n1 n2 है उसके साइड में हम a को डिक्लेयर कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम हमारा रिकवर हो जाएगा, मतलब एरर फ्री हो जाएगा। ओके, तो कंपाइलेशन एरर ऐसे होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपाइलेशन एरर के अंदर और क्या क्या एरर आता है, जैसे कि सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर अकर्स व्हेन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज वायलेटेड, मतलब जो लैंग्वेज का जो रूल्स होता है, जैसे कि सभी अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, ये सारे डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेज है। एवरी लैंग्वेज का कोडिंग लिखने का जो स्टाइल होता है, कोडिंग लिखने का जो प्रोसेस होता है, वो अलग अलग होता है।
अगर कोई लैंग्वेज का जो प्रोसीजर हम वायलेट करेंगे, जो प्रोसीजर होगा उसको हम उसी हिसाब से नहीं लिख के कुछ अलग तरह से लिखेंगे, तो वो क्या होगा, रूल वायलेट हो जाएगा, तब हमारा सिंटैक्स एरर दिखाई देगा। देखो सिंटैक्स एरर का हम एक एग्जांपल देखेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे लिखा गया है कंडीशन, देखो इफ स्टेटमेंट, यहाँ पे एक्सप्रेशन सिंटैक्स दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखे हैं ए इक्वल टू 4, मतलब ये रिलेशनल ऑपरेटर ए 4 के साथ कंपेयर हो रहा है। यहाँ पे ए इक्वल टू 5, ये भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है, ए 5 के साथ कंपेयर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है, मतलब ये जो एक रिलेशनल एक्सप्रेशन ए इक्वल टू 4 एंड ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 5, ये दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशन, तो बीच में एक ऑपरेटर रखा गया है, डबल क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए ये बीच वाला एक्सप्रेशन यूज, बीच वाला सिंबल यूज हो रहा है। तो बीच वाला जो सिंबल है डबल क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसा बोल के कुछ भी ऑपरेटर नहीं है। नॉर्मली हम लॉजिकल ऑपरेटर में क्या पढ़े हैं, दो रिलेशनल ऑपरेटर को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारा 3 टाइप्स का है, जैसे कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड के अंदर क्या आता है, हमारा डबल एम्परसेंट सिंबल आता है, डबल एंड सिंबल आता है। लॉजिकल और के अंदर दो पाइप सिंबल आता है। देन लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट के अंदर क्या आता है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क और एक इक्वल सिंबल आता है। तो ये जो डबल क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसा सिंबल कहीं पे नहीं है, तो दैट मीन्स ये जो सिंबल वो रॉन्ग है। ओके, क्योंकि प्रोग्राम सी लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज के अंदर ऐसा कुछ भी लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, तो ये रॉन्ग है। इसके लिए यहाँ पे दिख रहा है वो एक्सप्रेशन सिंटैक्स दैट और सिंटैक्स एरर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये हो गया सिंटैक्स एरर, मतलब कोई भी चीज़ का स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, सिंबल चेंज कर देंगे, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक टाइप ऑफ का प्रॉब्लम्स होता है वो सब सिंटैक्स एरर के अंदर जाता है। या फिर आप कहीं पे सेमी कोलोन छोड़ देंगे, कॉमा छोड़ देंगे, ब्रैकेट छोड़ देंगे, जहाँ पे कंपलसरी होता है उसको आप मिस कर देंगे, तो वो सिंटैक्स अंदर क्या है, सिंटैक्स एरर के अंदर आएगा। देखो सपोज ये जो ब्रैकेट हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, अभी इसका ब्लॉक कंप्लीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट हमारा एंड हो रहा है। सपोज ये ब्रैकेट हम रखेंगे और ये ब्रैकेट को हम रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे भी एक एरर आएगा, क्योंकि ये ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए था, पर ब्लॉक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हम इसको निकाल देंगे तो ब्लॉक कंप्लीट नहीं होगा, तो यहाँ पे भी एक एरर आएगा जो कि सिंटैक्स एरर के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सिमेंटिक एरर। सॉरी, इट ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द मीनिंगलेस स्टेटमेंट, दैट मीन प्रोग्राम के अंदर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिसका कुछ भी मीनिंग नहीं है। ओके, मीनिंगलेस स्टेटमेंट जो लिखते हैं प्रोग्राम में अननेसेसरीली, उसको बोलते हैं सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर का एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू जेड, दैट मीन्स एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करके हम जेड में स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करना चाहते हैं, पर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर पढ़े थे, टाइप ऑफ ऑपरेटर में असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हम पढ़े थे जो भी वैल्यू हम असाइन करेंगे वो हमेशा राइट टू लेफ्ट असाइन होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जेड का वैल्यू एक्स मल्टीप्लाई वाई को असाइन होना है, पर लेफ्ट साइड में आपका कोई भी एक्सप्रेशन नहीं रह सकता है। यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई वाई एक एक्सप्रेशन है एंड जेड एक वेरिएबल है। इसका मतलब ये होता है कि एक्स मल्टीप्लाई वाई जो एक्सप्रेशन, वो मल्टीप्लाई होने के बाद, उसका सॉल्यूशन निकलने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो जेड को असाइन होगा, मतलब जेड को वो प्रोवाइड करेगा वो वैल्यू। पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर का रूल कहता है कि हमेशा राइट हैंड साइड से वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक वेरिएबल रहता है, और राइट हैंड साइड में
चाहे एक्सप्रेशन रह सकता है या ऑपरेटर्स रह सॉरी या वैल्यू रह सकता है। ओके, फॉर लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक वेरिएबल होना चाहिए, तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा गलत है। ओके, दैट मीन्स इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, तो ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट है। तो ये जो एरर है इसको हम सिमेंटिक एरर बोलते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक्स एंड वाई का वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा वो जेड में स्टोर होगा। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट एरर हम देखेंगे, टाइप एरर। इट अकर्स व्हेन ए वैल्यू ऑफ वन डाटा टाइप इज असाइन टू ए वेरिएबल ऑफ अनदर डाटा टाइप। दैट मीन्स हमारा डाटा टाइप थ्री टाइप्स का होता है। ओके, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, थ्री टाइप्स का होता है। अगर हम कोई एक डाटा टाइप का वेरिएबल के अंदर दूसरे डाटा टाइप का वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो टाइप मिसमैच होगा, जिसको हम टाइप एरर बोलते हैं। जैसे कि लेट्स सी, इंट ए, दैट मीन्स यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है ए। ओके, वेरिएबल मतलब आपको पता है, वेरिएबल मीन्स इट इज ए मेमोरी लोकेशन दैट कैपेबल टू स्टोर ए कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो ये जो इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है तो ये एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा जिसमें ओनली इंटीजर टाइप का वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा, वो प्लस या माइनस हो सकता है पर डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमने क्या असाइन किया है, ए इक्वल टू 12.56। तो 12.56 एक डेसिमल नंबर है। ओके, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट्स आ जाता है, पर ए हमारा क्या है, इंटीजर वैल्यू जिसके अंदर हम डेसिमल वैल्यू नहीं रख सकते, पर हम यहाँ पे फोर्सफुली एक डेसिमल वैल्यू इंटीजर वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। ओके, इसके लिए यहाँ पे एक एरर आएगा जो कि टाइप एरर। हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, फ्लोट बी इक्वल टू के। तो बी एक फ्लोट वेरिएबल है जिसके अंदर हम एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करें, तो के एक कैरेक्टर है जिसको हम सिंगल कोड में लिए हैं, तो कैरेक्टर वैल्यू फ्लोट वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं, तो ये एक टाइप एरर हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे रन टाइम एरर। तो पहले था हमारा कंपाइलेशन एरर के अंदर ये सारे एरर आता था, सिंटैक्स एरर, सेमांटिक एरर एंड टाइप एरर। अभी हम देखेंगे रन टाइम एरर। कंपाइलेशन एरर क्या होता था, जो कंपाइल टाइम में जो एरर आता था उसको कंपाइलेशन एरर बोलते हैं। इसको दूसरा है रन टाइम एरर, रन टाइम, और इसको हम एग्जीक्यूशन टाइम एरर बोल सकते हैं। ओके, इट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन दोनों अलग चीज है। डिफरेंस क्या है एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन में, कंपाइलेशन में क्या होता है, ओनली हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम का एवरी इंस्ट्रक्शन, जितना लाइन का कोडिंग हम लिखे हैं वो सारे कोडिंग मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और प्रोग्राम का रनिंग स्टार्ट होता है। ओके, तो एग्जीक्यूशन में क्या होता है, एवरी इंस्ट्रक्शन जो मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कंप्यूटर समझ जाता है, समझने के बाद उसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग होता है, जो भी कैलकुलेशन का काम या जो एनीथिंग एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशंस जो भी होना है, ओके, प्रोसेसिंग जो भी होना है, वो प्रोसेसिंग का टाइम को हम रन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं। प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा आउटपुट निकलता है, कैलकुलेशन होने के बाद हमारा आउटपुट निकलता है, वो कैलकुलेशन टाइम को रन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम हम बोलते हैं। तो रन टाइम एरर के अंदर आता है हमारा दो एरर है, पर रन टाइम एरर पहले हम समझेंगे। ये प्रोग्राम हम पहले देखे थे, देखो ए इक्वल टू 10 वार्निंग, ए इक्वल टू 10, ये जो एरर हमारा कंपाइलेशन टाइम में भी आया था, मतलब प्रोग्राम जब कंपाइल हो रहा था इसमें इसको वो समझ नहीं पा रहा था। ओके, पर कंपाइलेशन और एरर होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वो कंपाइलेशन में एरर आपको आप रेक्टिफाई नहीं करेंगे फिर भी वो कंपाइल हो जाएगा। ओके, पर जब आप इसको रन करेंगे, मतलब कंपाइलेशन रन तो ऑटोमेटिकली होता है तो एट ए टाइम, जब रन टाइम में भी सेम एरर आएगा, ए साइन ए वैल्यू बट दिस इज नॉट यूज्ड इन द प्रोग्राम। कंपाइलेशन टाइम में जो एरर आया था, अभी रन टाइम में जो एरर आ रहा है उसको समझो, थोड़ा डिफरेंट है। दैट मीन्स
कंपाइलेशन टाइम में एरर आया था, एक सिंबल है जो कि उसको हम पहले से डिक्लेयर नहीं किया गया है, उसको डिफाइन नहीं किया गया है, ए सिंबल दैट इज नॉट डिफाइंड, एक वैल्यू है जिसको डिफाइन नहीं किया गया, कंपाइलर उसको समझ नहीं पा रहे ए क्या है। ओके, वो कंपाइलर टाइम का प्रॉब्लम था। अभी रन टाइम में, एग्जीक्यूशन टाइम में क्या आ रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम में वो पूछ रहा है ए को एक वैल्यू दिया गया है, ओके, पर वो कहाँ पे यूज नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे हमने ए को डिक्लेयर कर दिया था कंपाइलेशन एरर आने के बाद, तो ए में डिक्लेयर हो गया, ए में हम एक वैल्यू जीरो स्टोर कर दिए, हो गया, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कंपाइलेशन टाइम पे। तो देखो ये रन टाइम एरर, सेम प्रोग्रामिंग का जो स्क्रीन मैं आपको कंपाइलेशन टाइम में दिखाया था उधर भी सेम टाइप का एरर आया था, पर वो एरर और ये एरर का क्या डिफरेंस है हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। देखो कंपाइलेशन टाइम पे हमारा एक एरर आया था, पर्टिकुलर यही जगह पे ए इक्वल जो जीरो लिखा है यही जगह पे आया था कि हियर द सिंबल ए इज यूज्ड बट इट इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड सिंबल ए, ऐसा एक एरर आया था। दैट मीन्स एक वेरिएबल आप लोग यहाँ पे यूज किए हैं पर जिसको आप डिक्लेयर नहीं किए थे। देखो यहाँ पे ए डिक्लेयर हुआ है पर उस वक्त यहाँ पे ए नहीं था, तो उस वक्त जो एरर था, ये एक वेरिएबल है आप जिसको प्रोग्राम में यूज किए हैं पर उसको आप डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो वो प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए हमने यहाँ पे ए को डिक्लेयर कर दिया था। ओके, तो वो प्रॉब्लम कंपाइलेशन का जो एरर था वो रिकवर हो गया था, वो सॉर्ट आउट हो गया था। पर यहाँ पे एक दूसरा एरर आ रहा है ये, जो कि रन टाइम का एरर है। रन टाइम में क्या एरर दे रहा है, देखो ए असाइन ए वैल्यू बट दिस इज नॉट यूज्ड इन द प्रोग्राम। आपने ए को डिक्लेयर किया, ए में एक वैल्यू आपने स्टोर किया जीरो, पर आप इसको ए को प्रोग्राम में कहीं पे भी इसको आप यूज नहीं कर रहे हैं। प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, ए पे जीरो हमने रखा पर ए को हमने कहीं पे भी यूज नहीं किया। यहाँ पे हमने सॉम निकाला, एन वन प्लस एन टू किया, एन को एन वन एन टू दोनों को यूज किया, सॉम को भी यूज किया, सॉम में उसका वैल्यू हमने डिस्प्ले किया, पर ए को हमने यहाँ से यहाँ तक बीच में कहीं पे भी यूज नहीं किया। तो एक अननेसेसरी वेरिएबल है जिसको हमने ओनली डिक्लेयर करके रखा है, उसको हमने यूज नहीं किया, हमने उसको क्यों डिक्लेयर किया, ये एरर हमको वो पूछ रहा है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अभी हम ए इक्वल टू जीरो ये जो सेंटेंस है इसको रिमूव कर देंगे, अभी ये जो डिक्लेयर किया है इसको भी हम रिमूव कर देंगे। ओके, करने से ये एरर हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया रन टाइम एरर, इस टाइप में रन टाइप का रन टाइम एरर आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर कैसे आता है, इट ऑकर्स ड्यूरिंग द बैड लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम प्रोग्रामर, बिकॉज ऑफ दिस द प्रोग्राम कंपाइल रन बट नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। लॉजिकल एरर मतलब आपका जो प्रोग्राम कोडिंग के अंदर जो फॉर्मूलास होता है, अगर आप फॉर्मूला कुछ गलत लिखेंगे, कोडिंग का जो फॉर्मूला होता है कुछ कैलकुलेशन का फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूला कुछ गलत लिखेंगे तो प्रोग्राम कंपाइल में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कंपाइलेशन जैसे होना है वैसा होगा, एग्जीक्यूशन भी होगा मतलब रन भी होगा ठीक से, एरर कुछ भी नहीं आएगा, बट डज नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। आपको जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे कि आप मैथमेटिकल कुछ प्रॉब्लम लिखते हैं, मैथमेटिकल जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं उसमें एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला को बेस करके आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर आप गलत फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर तो आपका आंसर आएगा पर गलत आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि आंसर आप कैलकुलेट मतलब फाइनल आंसर तक आप पहुंच नहीं पाएंगे, फाइनल आंसर तक आप पहुंच जाएंगे पर आपका जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपने फार्मूला है गलत इंप्लीमेंट किया है। ओके, तो लॉजिकल एरर उस टाइप का। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये लाइन को देखो, y इक्वल टू 20 बाई जीरो, कोई भी नंबर को हम जीरो के साथ डिवाइड नहीं कर पाएंगे, जीरो के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा इन्फिनेटिव आ जाएगा, मतलब वो गलत आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाई जीरो ये भी नहीं हो सकता है, तो दीज आर द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ओके, इसमें आंसर आपका गलत आ जाएगा।
और आप लिख सकते हैं जीरो बाई समथिंग, समथिंग बाई जीरो, तो ये सारे यहाँ पर आपका गलत स्टेटमेंट है, मतलब लॉजिकल एरर्स इसको बोलते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, और इसको हम PSM बोलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होगा, आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम का जो कोडिंग बनाएंगे, वो प्रोग्राम का कोडिंग कैसे बनाएंगे और उसको कैसे एग्जीक्यूशन करेंगे, उसका आउटपुट कैसे निकलेगा, तो ये जो प्रोग्राम बनाने का जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, आप कैसे कोडिंग बनाएंगे, उसका आउटपुट कैसे निकलेगा, उसके लिए आप लॉजिक कैसे बनाएंगे प्रोग्राम के लिए, मतलब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ का प्रोसीजर यहाँ पे आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आप जो प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, द प्रोग्राम नीड्स सेवरल स्टेप्स टू कन्वर्ट एन इनपुट टू द डिजायर्ड आउटपुट एंड दीज स्टेप्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आर। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स होता है, द स्टेप्स टू कन्वर्ट एन इनपुट टू द डिजायर्ड आउटपुट, जो इनपुट हम देंगे उसी हिसाब से हमारा आउटपुट क्या निकलेगा, उसके निकालने के लिए जो बीच वाला स्टेप्स, बीच वाला प्रोसेस हम करेंगे, वो सारे प्रोसेस डिफरेंट स्टेप में हम उसको बनाएंगे, जो कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का डिफरेंट स्टेप में आएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को डिफरेंट स्टेप में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज योर एनालिसिस। इन दिस पेज ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट इज द इनपुट्स ऑफ द प्रोग्राम्स आर गैदर्ड एंड एनालाइज्ड। दैट मीन्स आप प्रोग्राम जो बनाएंगे, प्रोग्राम बनाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या इनपुट चाहिए, वो आप उसको पहले गैदर करेंगे। ओके, टुगेदर करेंगे, जिसको हम एनालिसिस प्रोसेस बोलते हैं। आपको इसको और सिंपली तरीके से समझाने के लिए मैं कुछ अलग एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि देखो, सपोज आपको एक रेसिपी बनाना है, एक खाने का एक रेसिपी अगर आप घर पे बनाएंगे, एक नया चीज़ का रेसिपी बनाएंगे, तो जब नया चीज़ का रेसिपी बनाएंगे तो जो रेसिपी के लिए आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, जैसे कि हल्दी, मिर्ची, नमक, ओके, और जो भी चीज़, ऑयल, एनीथिंग, जो भी चीज़ का आपको ज़रूरत होता है, वो रेसिपी बनाने से पहले आप क्या करते हैं, वो सारे चीज़ को कलर करके लाते हैं, लाके एक जगह पे रखते हैं, देन आपका रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी के लिए जो जो इनपुट, जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए, पहले आप वो रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करते हैं, ओके, और कितना कितना अमाउंट का चाहिए, आप नमक कितना लेंगे, ऑयल कितना लेंगे, ओके, देन ऑनियन कितना लेंगे, पटाटो कितना लेंगे, एनीथिंग, जो भी आप यूज़ करेंगे, स्पाइसेस कितना लेंगे, जो भी आप यूज़ करेंगे उसके अंदर कितना कितना अमाउंट का लेंगे, पहले वो भी आप कलर करके रख लेते हैं, या फिर उसको दिमाग में याद रख लेते हैं कि मुझे ये चीज़ इतना का लेना है, ये चीज़ इतना का लेना है। ओके, तो जो स्टार्टिंग में जो बेसिक रिक्वायरमेंट का जो कलेक्शंस होता है, वो एनालिसिस स्टेप में आता है। तो ये हो गया आपका कलेक्शंस। सेकेंड स्टेप देखेंगे, डिज़ाइन। इन दिस पेज द डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स आर डिस्कस्ड एंड रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम। तो जो प्रोग्राम का आप प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, उसका रफली एक प्रोसीजर, रफली एक स्टेप्स आप दिमाग में रखते हैं या रफली बनाते हैं। तो डिजाइन स्टेप आप रेसिपी में कैसे यूज करेंगे, रेसिपी में इसको समझेंगे। आप जो रेसिपी बना रहे थे, तो डिजाइन स्टेप में क्या करना, आप जो रेसिपी बनाएंगे तो किसके बाद क्या क्या करेंगे, पहले आप पानी डालेंगे या पहले ऑयल डालेंगे, पहले नमक डालेंगे या स्पाइसेस डालेंगे, ओके, किसके बाद कौन सा चीज़ आप डालेंगे, ओके, और
कितना अमाउंट डालेंगे, ओके, जो सिक्वेंशियल प्रोसेस होता है किसके बाद कौन सा चीज़ को डालेंगे और कितने टाइम में, टाइम के बाद कौन सा चीज़ को डालेंगे, वो जो प्रोसेस होता है आप उसको रफली कहाँ पे लिख लेते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा, आप पहली बार बना रहे हैं, तो रफली वो प्रोसेस आप एक पेपर में लिख लेते हैं या फिर दिमाग में उसको याद रख लेते हैं कि मुझे ये पहले ये करना है, इतने टाइम के बाद ये करना है, इतने टाइम के बाद ये करना है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप दिमाग में आपको याद रखना पड़ता है। अगर आप गलत कर लेंगे, ओके, वो टाइम का जो गैप होता है वो गैप नहीं रख के आप दूसरे तीसरे चीज़ उसमें डाल देंगे, तो आपका जो रेसिपी वो ठीक से नहीं बन पाएगा, वो टेस्टी नहीं लगेगा। इसके लिए टाइमिंग का भी आपको ध्यान देना पड़ता है, अमाउंट का भी ध्यान देना पड़ता है, कितना अमाउंट का कौन सा चीज़ डालेंगे। ज़्यादा कम हो गया तो रेसिपी ख़राब हो जाएगा, तो उसके लिए आपको कंप्लीट प्रोसेस को दिमाग में रखना चाहिए या फिर आपको कहीं पे रफ में लिख के रखना चाहिए। वो प्रोसेस के हिसाब से आप अपना काम करेंगे। दिस इज़ द डिज़ाइन प्रोसेस, ओके। द नेक्स्ट इज़ आवर कोडिंग। इन दिस पेज द algorithm इज ट्रांसलेटेड into प्रोग्रामिंग, दैट इज कॉल्ड द सोर्स कोड यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कोडिंग के अंदर क्या होता है, आपने जो प्रोग्रामिंग बनाने से पहले जो रफ में आपने लिखा है कि मैं ये इसके बाद ये करूँगा, ये कोडिंग के बाद ये कोडिंग, मतलब मुझे ये स्टेप्स करना है, तो आपने डिज़ाइन में लिख दिया रफ में, उसको अभी आप प्रोग्रामिंग कोडिंग के अंदर लिखेंगे। जैसे मैं दिखाया था सी प्रोग्रामिंग का कोडिंग आपको दिखाया था एग्जांपल में, तो आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, चाहे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोडिंग यूज़ करके आप अपना जो रफली एल्गोरिथम आपने लिखा है या फ्लो चार्ट लिखा है उसको लेके आप डायरेक्टली प्रोग्राम कोडिंग लिखेंगे, ओके, उसी हिसाब से। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में कोई भी डायग्राम करते हैं, डायग्राम करने से पहले उसको रफली एक डायग्राम करते हैं, उसका मेजरमेंट देते हैं, उसका साइड्स, ओके, वो सारे रफ डायग्राम होता है, देन रफ को देख के आप ओरिजिनल डायग्राम उस मेजरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन हुआ है, डिज़ाइन में आपने जो चीज दिया है उस हिसाब से आप आपका हाई लेवल लैंग्वेज का कोडिंग लिखते हैं, तो ओके। तो अभी हमारे एग्जाम में हम एग्जाम्पल में आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पर क्या किया था, जो रेसिपी का प्रोसेस स्टेप्स आपने दिमाग में याद रखा था या लिखा था डिजाइन स्टेप में। तो कोडिंग स्टेप में क्या होगा, आप एक्चुअल काम करेंगे, ओके, जो डालने का प्रोसेस, वन बाय वन चीज आप डालेंगे वो प्रोसेस करेंगे, मतलब एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क वो होगा। दिस इज द कोडिंग स्टेज, ओके। आपको नमक डालना है, स्पाइसेस डालना है, ओके, वेजिटेबल्स डालना है, जो भी आप प्रोसेस करेंगे वो जो प्रैक्टिकल ये खाना बनाने का प्रोसेस होगा, ओके, दैट इज कोडिंग। द नेक्स्ट इज योर कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। इन दिस पेज द होल प्रोग्राम और द सोर्स कोड ट्रांसलेट इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड दैट मीन जो कोडिंग हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे थे कंपाइलेशन टाइम में, कंपाइलेशन तो आपको पता है हाई लेवल लैंग्वेज टू प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, जो कि कंपाइलर का काम है, वो ऑटोमेटिकल होता है, उसमें हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, ओके। तो रेसिपी में हम देखेंगे इसको। तो कोडिंग स्टेज में हमने क्या किया था, हमको जो जो चीज़ डालना था हमने उसको डाल दिया, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, सॉल्ट, शुगर, एनीथिंग, जो भी डालना था वो डाल दिया हमने। डालने के बाद जो उसका जो प्रोसेसिंग होता है खाना बनाने का, जो 10 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट जो प्रोसेसिंग होता है, ओके, जो बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग प्रोसेस, वो ऑटोमेटिकल होता है, तो हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, हमको ओनली वेट करना पड़ता है उसको, वो प्रॉपरली वेजिटेबल बॉयल होने तक, ओके। तो ये हो गया हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस। जब कंपाइलेशन मतलब जब खाना का पकना कंप्लीट हो जाएगा, तो कंपाइलेशन खत्म हो जाएगा, ओके, देन क्या होगा, कंपाइलेशन के बाद आएगा हमारा एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इन दिस पेज द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ द प्रोग्राम प्रिपेयर द डिजायर्ड आउटपुट। तो प्रोग्राम हमने, हमारा प्रोग्राम अभी कंपाइल हो गया था, दैट मीन्स मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया था। एग्जीक्यूशन टाइम में क्या होगा, जो मशीन लैंग्वेज का जो कोडिंग है वो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होगा, मतलब उसका कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन होने के बाद जो आउटपुट
उसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आउटपुट में हमको दिखाई देगा, मतलब आंसर हमको दिखाई देगा, दैट इज द फाइनल एग्जीक्यूशन टाइम पे ये होता है। तो आपका एग्जाम्पल में एग्जीक्यूशन क्या है, जैसे कि आपने खाना पका दिया तो कंपाइलेशन टाइम में आपका खाना पकाने का प्रोसेस वो ऑटोमेटिकली चालू रहा। खाना पकाने का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका जो 10 मिनट या 15 मिनट टाइम होगा, वो टाइम के बाद जब आप ढक्कन खोल के देखेंगे आपका खाना कम्प्लीटली पक गया है, मतलब कम्प्लीटली रेडी हो गया है, मतलब अब खाने का आउटपुट निकल गया है, अब आप इसको सर्व करके खाना खाएंगे। तो दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ओके, दैट मीन्स आउटपुट हो गया। तो रेसिपी में ये सारे स्टेप्स आप करते हैं, प्रोग्राम में भी वही स्टेप होता है। तो रेसिपी करना जितना ईजी है, प्रोग्राम बनाना भी उतना ईजी है। आपने एनालिसिस प्रोसेस फर्स्ट किया था, एनालिसिस में आपने सारे रिक्वायरमेंट को कलेक्ट किया, रेसिपी के में जो सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो आपने उसको कलेक्ट किया। डिज़ाइन स्टेप में आपने उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या कौन से मतलब किसके बाद क्या करना है वो आपने याद रखा या फिर उसको रफ में लिखा। देन कोडिंग स्टेज में आपने एक्चुअल खाना बनाने का काम किया। कंपाइलेशन टाइम में आपका खाना पकने का मतलब बॉइलिंग होने का प्रोसेस हुआ। देन एग्जीक्यूशन में आपका खाना बन गया, आप उसको सॉल्व किए, ओके। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस प्रोग्रामिंग में होता है। एनालिसिस स्टेप में क्या होता है, आपका प्रोग्राम का जितने सारे इनपुट्स होते हैं आप उसको कलेक्ट करते हैं। देन डिज़ाइन में आप उसका रफली एक एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट लिखते हैं। देन कोडिंग में आपका एक्चुअल कोडिंग, आपका डिज़ाइन के हिसाब से आप एक्चुअल कोडिंग लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम यूज़ करके। देन प्रोग्राम का कंपाइल होता है, देन एग्जीक्यूशन होता है। तो अभी हम एक एग्जाम्पल में समझेंगे कैसे डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, दो नंबर लेंगे उसको ऐड करेंगे, तो इसको बनाने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे। वो छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का एनालाइजिंग मेथड, डिजाइनिंग, कोडिंग, ओके, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन, ये सारे स्टेप्स कैसे होता है वो अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम तीन वेरिएबल लेंगे, ए, बी एंड सम। ए बी में हम दो वैल्यू इनपुट करेंगे और उसमें उसको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर को हम सम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमको तीन वेरिएबल का ज़रूरत है, तो ये तीन वेरिएबल हम लेंगे, ये तीन हमारा इनपुट है, ओके। तो लेट्स, ये हमारा एल्गोरिदम है, सॉरी फ्लो चार्ट है, ये हमारा फ्लो चार्ट, हम एल्गोरिदम लिख सकते हैं या फ्लो चार्ट लिख सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट का स्टाइल है। फ्लो चार्ट कैसे लिखते हैं, ये ओवल शेप, ये पॉलीगन शेप, रेक्टेंगल शेप, ये जो डिफरेंट शेप है, ओके, ये कैसे सब बनाते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। तो देखो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले स्टार्ट करने के बाद इनपुट ए बी, ए बी दो वेरिएबल लेंगे, ओके, उसमें कुछ वैल्यू हम इनपुट करेंगे, एनी टू नंबर्स इनपुट करने के बाद उसको क्या करेंगे, हम सम करेंगे, सम इक्वल टू ए प्लस बी, ए बी को ऐड करके हम आंसर सम में रखेंगे। रखने के बाद प्रिंट सम, सम को हम प्रिंट करेंगे, मतलब जो आंसर आएगा उसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो हो गया हमारा, देन स्टॉप, मतलब कंप्लीट, हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया, मतलब इतना स्टेप हमको प्रोग्राम कोडिंग के अंदर करना है। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन स्टेप, ओके। थर्ड स्टेप इज आवर कोडिंग स्टेप, मतलब एक्चुअल कोडिंग हम कैसे लिखते हैं वो दिखेंगे। देखो तो नॉर्मली ये जो कोडिंग हम लिखे हैं ये सी लैंग्वेज का कोडिंग है। तो नॉर्मली सी लैंग्वेज कोडिंग वॉइड मैन से स्टार्ट होता है। ये वॉइड मैन क्या है ये तो हमको पता नहीं है, जब हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तब हम ये इसको हम समझ पाएंगे वॉइड मैन क्या है। तो वॉइड मैन, देन यहाँ से हमारा प्रोग्राम का ब्लॉक स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम का ब्लॉक एंड हुआ। देन हमने लिखा है इंट ए बी, ओके, देन सम, तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। देन ए में हमने 10 स्टोर किया, बी में 20 स्टोर किया, दो वैल्यू हमने दिया, इनपुट किया ए बी में,
देन सम इक्वल टू ए प्लस बी, सम इक्वल टू ए प्लस बी, ए एंड बी में जो 10 एंड 20 था उसको हमने सम किया, देन उसका आंसर सम में स्टोर हो गया, दैट मीन्स 30 सम में स्टोर हुआ, देन उसको हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट एफ ये एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन, जिसका काम है टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन में आंसर डिस्प्ले करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो प्रिंट एफ सम इक्वल टू सम, दैट मीन सम इक्वल टू जो डबल कोड में लिखा है ये मैसेज है, ओके सम मतलब ये जो 30 वैल्यू आया है वो वैल्यू इसमें दिखाई देगा, सम इक्वल टू 30। तो ये जो प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के टाइम पे यहाँ पे हमको अभी ये कोडिंग हो गया, कोडिंग होने के बाद इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल टाइम में यहाँ पे एक एरर दिखाई देगा, एरर क्या होगा, सेमी कोलन मिसिंग, हमने यहाँ पे एक सेमी कोलन मिस कर दिया है, देखो सेमी कोलन मिसिंग दिख रहा है, यहाँ पे एक सेमी कोलन होना चाहिए था स्टेटमेंट की एंडिंग है, जैसे यहाँ पे सेमी कोलन है, यहाँ पे सेमी कोलन है, यहाँ पे सेमी कोलन है, तो स्टेटमेंट एंडिंग में हमने सेमी कोलन छोड़ दिया, तो ये हमारा एरर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेमी कोलन दे देंगे, तो सेमी कोलन आ गया, अभी प्रोग्राम एरर फ्री हो गया, कंपाइलेशन अभी हो जाएगा, कंपाइलेशन होने के बाद इसका आउटपुट निकलेगा, आगे देखो आउटपुट इक्वल टू सम इक्वल टू 30। ये जो सम इक्वल टू हम डबल कोट के अंदर लिखे थे, सम इक्वल टू आया, देन सम लिखे थे मतलब सम का वैल्यू 30 30 आया, तो इसी तरह तो ये हो गया एग्जीक्यूशन के बाद जो आउटपुट निकलता है, ये लास्ट स्टेप हमारा। तो इसी तरह ये 5 स्टेप कंप्लीट हो गए, हमारा प्रोग्राम हम बना सकते हैं।